झटपट बन जाने वाली सुबह का नाश्ता आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। मूली का सीज़न है तो मूली का पराठा तो बनता है, तो चलिए आज हम बनाएंगे मूली का पराठा जो कि झटपट तैयार हो जाता है, मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 मूली लिया है, तो इसे सबसे पहले दोनों छोर से काट कर हटा लेना है। इसके बाद हम छिलके उतार लेंगे। इस तरह से हमें बारीकी से छिलके उतारने के बाद धो लेना है। इसके बाद ही हम ऐसे वाले मशीन में क्रश करेंगे। तो धीरे धीरे हम हाथों की सहायता से इस तरह से क्रश कर लिया है। पूरा मैंने 3 का 3 मैंने क्रश कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी मूली का पराठा बना रहे हैं तो उसमें 1 प्याज ज़रूर डालिएगा। प्याज से अलग ही टेस्ट इसका आ जाता, मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 1 मैंने प्याज लिया है, उसके छिलके उतार कर अच्छे से धो लिया है। आधा काट कर मैंने धीरे धीरे क्रश कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आटा लेंगे। 250 ग्राम मैंने आटा लिया है और आटे में हम डालेंगे सबसे पहले क्रश किया हुआ प्याज, इसके बाद मूली मैंने क्रश किया था वो भी डाल देंगे हम पूरा, और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी मैं डालूँगी आधी चम्मच, और 1 चम्मच मैंने रेड चिल्ली डाला है जो कि मैंने हल्के कूटा है, इसको ज़्यादा महीन नहीं किया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ले लिया है और मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है। फिर हरी मिर्च का तड़का दे दिया है ऊपर से थोड़ा। 1 चम्मच मैंने डाला है घी। तो आप तीखे के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप कम मिर्च डालकर अच्छे से डालकर गूंथ लीजिए, और अच्छे से मिलाने के बाद ही अगर आपको लगे कि इसमें पानी पड़ेगा तभी पानी थोड़ा सा हल्का छींटे देकर आप गूंथ लीजिए इसको अच्छे से। पूरे अच्छे तरीके से इस तरह से गूंथना है। तो बस अब हमारा जो तैयार हो गया है, इसको देरी तक सेट होने के लिए बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि इसमें पानी छोड़ता है, नमक वगैरह डाला हुआ रहता है, नमक तो इसमें पानी छोड़ाएगा जो कि पानी पानी हो जाएगा, फिर बेलने में आपको बनेगा नहीं। तो जितना जल्दी आप गूंथ रहे हैं उतना जल्दी आप इसकी रोटी बना लीजिए गर्मा गर्म। तो चलिए मैंने इस तरह से बेल लेना है और इसके बाद तवा पर रख कर अच्छे से इसको उलट पुलट कर सेक लेना है, जब तक बाकियों का भी इसी तरह से आप बेल लीजिए। बहुत ही आसानी से बेला जाता है, और फिर ऊपर अच्छे से घी हो या रिफाइंड ऑयल हो उससे अच्छे से इस तरह से लगा लीजिए चारों पट्टी घी। मैंने यहाँ पर घी का उपयोग किया है। अच्छे से इस तरह से लगा कर और दोनों तरफ मैं सेक लूँगी। ये पराठा बहुत जल्दी बन जाता है, और यहाँ पर ध्यान यही देना है कि आपको तीखा अगर नहीं पसंद है तो कम तीखा डालें, और बिल्कुल ही गूंथ कर आप छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पानी इसमें छूट जाता है क्योंकि प्याज और मूली में पानी छोड़ता है जब हम नमक डालते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जितना जल्दी गूंथेंगे उतना जल्दी आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा चढ़ा दिया है, इसी तरह मैं जितना भी है पराठे को तैयार कर लूँगी गर्मा गर्म। तो बहुत ही आसान है, और ये चटनी के साथ पराठे को खा सकते हैं, और किसी भी चीज़ के साथ खाइए, इसे दही के साथ खाइए और भी मज़ा आएगा। तो चलिए इसी तरह जितना भी मेरा पराठे हैं मूली का मैं तैयार कर लूँगी। तो आप भी आज ही ज़रूर बनाइए, और अगर पसंद आए मेरी वीडियो आती है आप लोगों को खाने की रेसिपी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज ही बनाइए ये पराठा गर्मा गर्म और परोसिए अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए और उस सुबह के नाश्ते में।